कैसी रही? तो भैया जिस तरीके से वीडियो में बताया था उस तरीके से हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो भैया अभी भी लिंक आ रहा है जो ऊपर, इस पर क्लिक करो और देखो कि क्या कहा था और क्या आया रिजल्ट। तो भैया बात करेंगे उसी सीरीज के दूसरे मैच की जो कि खेला जाएगा श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे। क्या होने वाला है इस मैच का रिजल्ट सब बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो पूरी देख लेना। साथ ही बात करेंगे किसकी, साथ ही बात करेंगे सीरीज जो खेली जाएगी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसका जो पहला मैच होने वाला है क्या होने वाला है उसका रिजल्ट, वो भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। स्वागत हो गया आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भैया जैसा मैंने तुम्हें कहा था लास्ट वीडियो में क्या होने वाला है कल के मैच में, उन दोनों मैचों का रिजल्ट तुमने देख लिया होगा। जहां भैया आयरलैंड जीत चुके हैं वहीं आयरलैंड ने क्रिएट कर दी है हिस्ट्री। वेस्ट इंडीज में पहली बार सीरीज जीतने का कारनामा कर चुकी है आयरलैंड। तो आयरलैंड ने भैया जो कर दिया वो तो कर दिया, पर वेस्ट इंडीज की स्थिति हो गई बहुत ही ज्यादा खराब। कहाँ थी, कहाँ आ गई और अब कहाँ जा रही है, बहुत ही स्थिति खराब है। वैसी स्थिति खराब होने वाली थी किसकी, श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे में श्रीलंका की। तो भैया जिस तरीके से मैंने तुम्हें बताया था कि भैया ना ही वेस्ट इंडीज और ना ही श्रीलंका में अब वो बात रह गई है जो कि भैया 90s में थी और 2010 तक, 11 तक, 16 तक भी मान लो तुम, वेस्ट इंडीज में 2016 और श्रीलंका में 2014 तक जो बात थी वो बात अब नहीं रह गई है। दोनों ही टीमें अभी सेम लेवल की हो चुकी हैं। जब वेस्ट इंडीज की टक्कर आयरलैंड के साथ थी तो बिल्कुल सेम मैच था, लेवल का मैच था। वहीं जो मैच था श्रीलंका जिम्बाब्वे का वो भी लेवल का मैच था, क्योंकि जिम्बाब्वे और श्रीलंका में अब ज़्यादा फर्क रह नहीं गया है। पर रिजल्ट आया है वही जिसकी हमने कर ली थी चर्चा पिछले वीडियो में। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे मैच की जो कि खेला जाएगा सेम ग्राउंड में, जो कि ग्राउंड होगा ये। इस ग्राउंड में जो ये मैच होने वाला है फिर से डिपेंड करेगा सबसे ज़्यादा किस पे, ना ही प्लेयर्स पे, ना ही बॉलर पे, ना ही बैटर पे, सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है ये इस ग्राउंड में टॉस पे। तो भैया जो भी टीम टॉस जीतेगी वो करेगी चेस, और चेस तो भैया 80% मान के चलो कि भैया वही जीतेगी जो चेस करेगी। पहली इनिंग में हमने देखा कि भैया 300 रन मारने के बावजूद भी जिम्बाब्वे जो है भैया डिफेंड नहीं कर सकी सीन विलियम के जबरदस्त शतक के साथ, और विकेट कीपर बैट्समैन चबा के 72 रन जो थे उनकी मदद से जिम्बाब्वे ने बना लिया 300 रन। अब जिम्बाब्वे को लगा कि भैया हम तो जीत ही जाएंगे इजिली, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। पर भैया वहीं पर आ गए चंडीमल, चंडीमल ने करी थी वापसी और जड़ दिए 75 रन, असलंका के 71 और निशंका के 72 के मदद से श्रीलंका ने जीत लिया पहला मैच। अब दूसरे मैच में भी कुछ सेम यही कहानी रहेगी मेरी, मान लो तुम बात, जो भी टीम टॉस जीतेगी उस पर हम ज़्यादा निर्भर कर लेंगे। तो भैया अभी तो हम बात कर लेंगे श्रीलंका को सपोर्ट, पर टॉस जो जीतेगा उस पर, जो चेस करेगा उस पर कर लेंगे बात। टीमें बिल्कुल सेम रहने वाली है, ग्राउंड बिल्कुल सेम रहने वाला है, जो टीम टॉस जीतेगी वो चेस करेगी और जो चेस करेगी वही जीतेगी, लिखित में ले लो। पर अभी तो हमें पता ही नहीं कौन जीतने वाला, तो हम करेंगे टॉस, कौन जीतने वाला तो हम कर ले श्रीलंका को सपोर्ट। तुम भी कमेंट करके जरूर बता दो तुम्हें क्या लग रहा है। वहीं दोस्तों साथ ही बात कर लेते हैं दूसरे मैच की जो कि खेला जाएगा किसके साथ, जो कि खेला जाना है श्रीलंका तो नहीं खेलेगी उसमें, उसमें खेलेगी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। सीरीज का ये पहला मैच होगा जो कि खेला जाएगा साउथ अफ्रीका के पर्ल वाले ग्राउंड में। तो भैया जहां टेस्ट सीरीज में निराशाजनक हार के साथ इंडिया के जो सपने थे कि सीरीज जीत लेंगे पहली बार टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका में, वो तो ना हो पाया, पर ओडीआई में तो सीरीज जीत चुके हैं। अब उसी को दोहराना चाहेंगे कि भैया ये हाथ से ना निकल जाए। तो उसमें वैसे भी दबदबा जो है टेस्ट में भी इंडिया का ही था, पर सीरीज हाथ से निकल गई तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं करेगी यहाँ पर इंडिया की टीम। वहीं इंडिया जो दोस्तों फेवरेट मानी जा रही है इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच में, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग लाइनअप है उसमें बिल्कुल भी लगता नहीं है कि वो इतनी तगड़ी होंगी। और साउथ अफ्रीका के पास जो एकमात्र सहारा है सीरीज जीतने का ओडीआई में, वो भी रहेगा तेज पिच का, तेज पिच, तेज फास्टर। और जहां तक खबर आ रही है कि नॉर्किया की जो हो सकता है दोस्तों वापसी हो सकती है ओडीआई में, तो इंडिया की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं एज अ फास्ट बॉलर के सामने। पर इंडिया तो इंडिया है भैया, ओडीआई में किसी से कम नहीं है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ भी टॉस करने वाला है बहुत ही ज़्यादा मैटर, जो टीम टॉस जीतेगी वो चेस करेगी, और चेस में अगर इंडिया भिड़ जाती है तो 95% इंडिया जो है वो जीत ही जाती है। तो भैया अगर मैच तुम्हें इंटरेस्टिंग देखना है तो कोशिश करना कि इंडिया टॉस ना जीते, और अगर चेस करती है तो भैया 300 बन जाए, 350 बन जाए, नॉर्किया आ जाए, रबाड़ आ जाए, इंडिया ने वो मैच जीतना ही जीतना है। तो दोस्तों टॉस तो यहाँ पर कर जाएगा बहुत ज़्यादा मैटर। टीम्स में ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं है, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के अलावा हमें थोड़े से मिडिल ऑर्डर में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बाकी टॉप ऑर्डर में भी मयंक अग्रवाल की छुट्टी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि रोहित शर्मा अभी तक फिट है नहीं। तो क्या पता मयंक अग्रवाल को एक बार फिर से मौका मिल जाए एज अ ओपनर, और विकेट कीपर बैट्समैन तो पंत खेलेंगे ही, और बॉलिंग में भी जो हमें ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे नहीं, क्योंकि इंडिया अपने एक्सपीरियंस बॉलर्स के साथ ही जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है इस मैच में भी मैं सपोर्ट करने वाला हूँ इंडिया को, आप भी इंडिया को तो सपोर्ट करेंगे ही, पर
जो टीम टॉस जीतेगी चेस करेगी उसको तुमसे पहले सपोर्ट कर लेना भैया, तो जो चेस करेगा वो जीत सकता है। और फिलहाल तो हमें पता ही नहीं कि टॉस कौन जीतने वाला, तो हम सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को। आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि इन दोनों मैचों में क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है, क्या सही बोल दिया मैंने। यार नहीं बोला तो भैया अगली वीडियो में बता देना, हम सही बोल देंगे। तो भैया टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। और यहाँ तक अगर आ गए हो तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाय बाय।